नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों अभी मनी कंट्रोल वेबसाइट पर एक आर्टिकल आया है जिसमें कि स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताया गया है कि पिछले 10 सालों में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो कौन कौन से वो स्मॉल कैप फंड है आज की वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज आपको हमेशा की तरह बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप लोग भी बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा कि कौन कौन से वो स्मॉल कैप फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। आप लोग भी देखिए क्या आपकी पोर्टफोलियो में ये फंड्स हैं, अगर नहीं है तो आप भी इनको शामिल कर सकते हैं। दोस्तों इनके जो रिटर्न्स हैं वो काफी बेहतरीन रहे हैं, लार्ज कैप और मिड कैप की अपेक्षा इन्होंने बहुत ही तेजी से ग्रोथ की है मार्केट में। लेकिन देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप फंड्स क्या होते हैं कि रिटर्न्स हमें अच्छे देखने को मिलते हैं लेकिन ये थोड़े से रिस्की भी होते हैं। देखिए जब मार्केट बढ़ती है इनके रिटर्न्स बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन होती है तो रिटर्न्स भी इनके इसी तरह से आपको डाउन होते हुए दिखाई भी देते हैं। इसलिए दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देख लें, उसके बाद इन्वेस्ट यहां शुरू करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी आप जल्दी से कर लीजिए। तो देख चलिए दोस्तों बात करते हैं, ऐसे वो 8 फंड हैं जिन्होंने सबसे बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं पिछले 10 सालों में। सबसे पहले नंबर पर जो फंड आता है वो आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, चलिए स्मॉल कैप भी लिख देता हूं मैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। देखिए मैंने अपनी कुछ वीडियोज में इस फंड के बारे में आप लोगों को बताया भी है। और देखिए दोस्तों ये बात मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप लोग अपनी SIP 12 साल 15 साल इससे ऊपर SIP को चलाना चाहते हैं तो आप लोग स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। देखिए स्मॉल कैप फंड से आपके रिटर्न्स फ्यूचर में आपको काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं। देखिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले 10 साल में जो रिटर्न बनाकर दिए हैं वो दिए हैं 25.59%। देखिए काफी बढ़िया इसके रिटर्न्स पिछले 10 सालों में रहे हैं। नंबर 2 पर जो फंड आ रहा है वो आ रहा है SBI स्मॉल कैप फंड। देखिए ये भी मैंने काफी सारी वीडियोस में आप लोगों को सजेस्ट किया है, जब स्मॉल कैप फंड की बात आई है तो मैंने ये फंड काफी लोगों को सजेस्ट किया है। तो ये भी काफी बढ़िया फंड है, होल्डिंग्स इन फंड की काफी बढ़िया रही है इसीलिए इन्होंने रिटर्न इतने अच्छे बनाकर दिए हैं। इसके जो रिटर्न आए हैं वो आए हैं 25.36% के। थर्ड नंबर पर जो फंड है वो आया है दोस्तों एक्सिस स्मॉल कैप, बैंकिंग सेक्टर का फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसके जो रिटर्न्स रहे हैं पिछले 10 साल में वो रहे हैं 24.39%। फोर नंबर भी देख लेते हैं। नंबर 4 पर जो फंड आया है दोस्तों वो आया है डीएसपी स्मॉल कैप। इसके जो रिटर्न्स रहे हैं वो रहे 21.89% के। देखिए इन फंड्स के रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, काफी बेहतरीन फंड है इन्वेस्ट करने के लिए। देखिए स्मॉल कैप फंड्स में क्या होता है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे को SIP को चलाना चाह रहे हैं तो आप एक फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का जरूर रखें ताकि फ्यूचर में ये आपको अच्छी वेल्थ बना कर दे। चलिए आगे बात करते हैं फिफ्थ नंबर पर कौन सा फंड है। दोस्तों फिफ्थ नंबर पर आ जाता है कोटक स्मॉल कैप। इसने जो रिटर्न्स बनाकर दिए हैं वो दिए हैं 20.23% के। सिक्स नंबर पर जो फंड आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा आ जाएगा दोस्तों फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप। ये मैंने लाइन से इसी तरह से लिख दिए दोस्तों सीरियल से, जिस तरह से रिटर्न्स इन फंड ने बनाकर दिए हैं उसी सीरियल में मैं इनको लिखता जा रहा हूं। इसने दिया है 20.84% का रिटर्न। देखिए फंड ये भी काफी अच्छा है, रिटर्न इसके काफी अच्छे रहे हैं। हालांकि फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड अभी तक मैंने किसी भी वीडियो में स्मॉल कैप कैटेगरी में किसी को सजेस्ट नहीं किया है, मैंने मोस्टली निपॉन इंडिया SBI स्मॉल कैप और एक एक्सिस स्मॉल कैप इन फंड्स को तो मैंने जरूर सजेस्ट किया है, रिटर्न्स उनके काफी बढ़िया भी आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले फंड की बात करते हैं HDFC स्मॉल कैप, बैंकिंग सेक्टर का फंड है HDFC स्मॉल कैप। रिटर्न्स काफी बढ़िया रहे इसके भी 19.8
2% के रिटर्न यहां में देखने को मिल रहे हैं। और दोस्तों 8 नंबर पर जो फंड रहा है, 8 नंबर पर रहा है सुंदरम स्मॉल कैप, सुंदरम स्मॉल कैप 17.94% के रिटर्न यहां हमें इस फंड से देखने को मिले हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप SIP में इन्वेस्ट अपना करते हैं, आप मान लीजिए 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उसमें एक फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का जरूर रखिए। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ आपको रिटर्न भी बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। इसलिए जब भी आप SIP शुरू करें, मैं इधर आ जाता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। देखिए जब भी आप SIP शुरू करें तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड उसमें जरूर रखें। देखिए तभी आपको एक अच्छी वेल्थ यहाँ देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वो फंड थे जिनका अभी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर मैंने एक आर्टिकल देखा, पिछले 10 सालों में इन 8 फंडों ने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, सबसे बढ़िया रिटर्न्स इन्होंने बनाकर दिए हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में से इनमें कोई फंड है, और अगर है तो आपने बहुत ही अच्छा फंड सिलेक्ट किया हुआ है, उसको फ्यूचर में आप कंटिन्यू रखें, वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना कर देगा। और दोस्तों अगर आप लोग भी SIP शुरू करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक अच्छे से अच्छा फंड सिलेक्ट करके ले आऊंगा, एक वीडियो आपके लिए इस तरह की बनाकर ले आऊंगा। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पर एक ऐसी वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ Q&A की, जिसमें आप कमेंट्स मुझे करते हैं उनके जवाब मैं संडे में सारे कमेंट्स के जवाब कोशिश करूंगा संडे में एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं। देखिए दोस्तों क्या होता है कि हर कमेंट पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए आपके कमेंट्स के जो भी जवाब होंगे वो संडे की जो 7 बजे की वीडियो आएगी उसमें आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों अपना प्यार हमारे चैनल पर आप लोग इसी तरह बनाए रखिएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इन्वेस्ट राइट को। धन्यवाद।